हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चैन में। तो चलिए फ्रेंड, बात कर रहे थे आप जो T20 ब्लास्ट का केवल एकमात्र मैच खेला जाए ससेक्स और वर्सेसशायर के बीच में जो मैच खेला जाने वाला है, इसकी टीम मैं आपको देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ सबके बारे में। आपके पास कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर अच्छे अवेलेबल हैं और कौन कौन से यहाँ पे आपको बेस्ट हो सकते हैं हेड टू हेड 3 मेंबर लीग में। तो चलिए फ्रेंड, बात कर रहे थे टीम की। टीम यहाँ से पहले मैं आपको ले चलता डायरेक्टली बैट बॉल 11 पे। यहाँ आपको काफ़ी कुछ पता चलता है देखने के लिए। आपको हर मैच के लिए आप खुद से एक अच्छी टीम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो इस साइड के ऐप से। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो मैच खेला जाएगा होवे में मैच खेला जाएगा, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है बैटिंग के लिए। बैटिंग के लिए क्या मतलब, यहाँ पर स्कोर अच्छा बन जाता है, 160-170 के आसपास बन जाता है। बट उस स्कोर को बनाने में यहाँ पर विकेट जो है 6 से 7 विकेट लग जाती है। तो यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी ना बैटिंग विकेट है ना यहाँ पर बॉलिंग विकेट। 36 मैच इन दोनों की टीम में यहाँ पर खेले गए अभी तक। ये इनका एवरेज है 168-169 का एवरेज रहा है। और यहाँ पर फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर यहाँ पर विनिंग्स होती है, कोई जीत जाता कोई भी हार जाता। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा भी है नहीं, कोई फर्स्ट बैटिंग विनिंग करेगी सेकंड इनिंग। और पेसर्स और यहाँ पर जो ऑलराउंडर दोनों का परफॉर्मेंस यहाँ पर बराबर रहता है यहाँ पर भी। बाकी एक मैच ग्राउंड पर इनका हुआ अब तक, ससेक्स और वॉर्सेस्टर का एक मैच हुआ, वो भी इन्होंने वॉर्सेस्टर ने विन किया। अगर आपको देखना है पूरा डिटेल में उस मैच में क्या हुआ, तो आपको क्रिक पर या फिर किसी और ऐप पर जाके आपको देख लेना है। आपको रिकॉर्ड देखना है तो जो हेड टू हेड जो खुद से टीम बनाता है वही इतनी मेहनत करता, और कोई मेहनत भी करता नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये था इसका अब तक का डेटा जो हमें बैट बॉल लेवल ने दिया है। अगर आप लोग लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल ऐप है, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखी है अलग से, तो उस वीडियो को जरूर देखना। तब उसके बाद इसको डाउनलोड करके मेरा रेफरल कोड जरूर यूज करना फ्रेंड आपको। और वो अभी क्यों कह रहा हूँ आपको रेफरल कोड यूज करने के लिए, वो आपको उस वीडियो में अच्छे से आपको पता चल जाएगा मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड, ये था इनका डेटा। बाकी इस हिसाब से मैंने जो अपनी टीम बना रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरी क्या टीम रहने वाली, टीम मैंने यहाँ पर बना रखी है। बाकी फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप तक हमें अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक से होता कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं मिलता, बस ये कि मोटिवेशन मिलता है कि हमें अच्छा लगता है कि हम आपके लिए यहाँ पर काम अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली पहले टीम का प्रीव्यू दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग टीम प्रीव्यू देखने आते हैं। तो डायरेक्टली पहले टीम प्रीव्यू दिखाता हूँ। एलेक्स कैरी को लिया हुआ, डी रॉलिंस को लिया हुआ, ल्यूक राइट को लिया हुआ, यहाँ पर रिकी वेसल्स हैं, रॉस वेटली हैं, उसके बाद यहाँ पर डेविड विजे मोइन अली हैं, उसके बाद 4 में यहाँ पर बॉलर्स के साथ दिया पिच को देखते हुए हिसाब से क्रिस जॉर्डन को लिया, टोपले को लिया, बर्नार्ड को लिया और यहाँ पर पी ब्राउन को लिया। तो जो मुझे ये बेस्ट लगे ये मैंने रख लिए। अगर आपको लगता है इनके अलावा कोई और बेस्ट करा सकता तो वो चीज़ सब कुछ देखने के लिए वीडियो पर बने रहे, बिना स्किप करें वीडियो को पूरा देखना है। और जो लोग यहाँ पर वीडियो बाहर जाने रहे टीम प्रीव्यू देखने जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना तभी बाहर जाना। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको डायरेक्टली पहले टीम को एडिट करके दिखाया था कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। बैंकॉक्स आपके लिए यहाँ पे अच्छे खासे ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे, अगर आप रखना चाहते हो, क्योंकि परसेंटेज की बात है। ग्रैंडिंग की बात में यहाँ पर बता दूँ, ग्रैंडिंग में भी इनका कोई खास रहने वाला नहीं फिर तो, क्योंकि ऐसा ये देखिए ब्रेंड, अगर यहाँ पे बेन ब्राउन खेलता, बेन ब्राउन थोड़ा डाउन आता है फ्रेंड, ठीक है, आई थिंक 5 या 6 नंबर पर खेलने आता, तो मुझे लगता है इनका कोई फायदा होने वाला ना ग्रैंडिंग में ना स्मॉल लीग में, क्योंकि ये अगर इनकी बैटिंग पहले करती है, इनकी टीम बैटिंग पहले करती है बेन ब्राउन की यहाँ पर ससेस की, तो मुझे नहीं लगता है इनके इनकी बैटिंग में आने और ना ही बाद में, तो कैच वेज या फिर स्टंप या रनआउट से अगर जो इनको पॉइंट मिल गया तो मुझे लगता नहीं हर मैच में कोई इतना ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एलेक्स कैरी को, तो हेड टू हेड 3 मेंबर लीग में तो एलेक्स कैरी रहेंगे। बाकी ग्रैंड लीग में भी जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँगा एलेक्स कैरी को ही रखना, क्योंकि काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। बैंकॉक्स भी थोड़ा नीचे आते हैं, आई थिंक 3rd या 4th डाउन यहाँ पर बैंकॉक्स भी आते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं बैट्समैन की, बैट्समैन यहाँ पर ल्यूक राइट को लिया, रिकी वेसल्स को, रॉस वेटली को लिया और यहाँ पर डी रॉलिंस को लिया। बाकी यहाँ पर अगर आपने मार्टिन गुप्टिल को लिया हुआ तो उनको हटा देना, क्योंकि ये अपने सीरीज में खेल लें। बाकी यहाँ लॉरी वांस अवेलेबल है, फिलिप शॉट अवेलेबल है, उसके बाद रदरफोर्ड अवेलेबल है, उसके बाद यहाँ पर और कुछ खास ऑप्शन है नहीं आपके पास जो मैं हेड टू हेड 3 मेंबर लीग के लिए आपको सजेस्ट करूँगा। तो जो मुझे बेस्ट लगे मैंने रख लिए। अब फ्रेंड यहाँ पर जो आप बात करें ग्रैंड लीग की, ग्रैंड लीग के लिए यहाँ पर आप देखोगे हैमिस रदरफोर्ड ओपनर प्लेयर फ्रेंड, आप देखिए इसकी परसेंटेज कितनी है, 7.5%। कुछ नहीं करेगा, जिस दिन चल जाएगा आपको वन साइडेड विन करा देगा, हेड टू हेड भी नहीं, सॉरी ये ग्रैंड लीग में यहाँ पर वन साइडेड विन करा देगा। तो ऐसे प्लेयर्स को आप कैप्टन जरूर बना के रखना, क्योंकि इनके पास चांस बहुत ज़्यादा होता है। प्लेयर काफ़ी अच्छा है इस बात का ध्यान, आप काफ़ी तगड़ी हिटिंग कर सकता है ये भी, तो प्लेयर काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऐसे प्लेयर को आप कैप्टन बना के रखो तो आपके लिए ज़्यादा ही बेनिफिट होना है, सॉरी ग्रैंड लीग में आप अच्छी खासी रैंक पर आ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर टॉम फेल की परसेंट देखिए 3.37, तीसरे चौथे नंबर पे भी खेलने के लिए आया था, कोई ज़्यादा डाउन नहीं है इनका। तो अगर आप रखना चाहते हो यहाँ से ये दो प्लेयर को मैं आप रख सकते हो ग्रैंड लीग में, ग्रैंड लीग में आप इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी मोइन अली यहाँ पर डेविड विजे है, मोइन अली की डेविड विजे तो परसेंटेज काफ़ी हाई होगी, 62% 79%, तो इनकी परसेंटेज काफ़ी हाई है। तो ये प्लेयर जरूर नहीं, ये प्लेयर भी परफॉर्म करें, ये प्लेयर भी फ्लॉप होते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब जो मैच चल रहे हैं काफ़ी प्रेशराइज मैच है जो अब जो स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि फाइनल होने वाला है, जल्द से जल्द हमारा T20 ब्लास्ट यहाँ पर खत्म होने वाला, तो इसलिए बड़े से बड़ा प्लेयर भी यहाँ पर फ्लॉप हो सकता है, इसी के बाद ध्यान रखना। बाकी वेनी पेनर्स की परसेंटेज देख रहे थे 54%,
ब्रैड डी ऑलवेरा की परसेंटेज काफ़ी कम होगी यहाँ पर, आई थिंक खेल ही नहीं रहे। डेल मिचेल भी यहाँ पर नहीं खेलेंगे जहाँ तक ख्याल है मुझे, नहीं आई थिंक डेल मिचेल खेलेंगे, डेल मिचेल तो ग्रैंड यहाँ पर खेलेंगे अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हो, बट ग्रैंड लीग में ओनली। ऐसे प्लेयर्स को जो मैं बता रहा हूँ इनको ग्रैंड लीग में रखना, हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में ट्राई मत करना, क्योंकि हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में आपका हो सकता है लॉस करा दे, और हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में कोई 150 रुपये का लॉस नहीं होता, उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है जो ज़्यादा खेलते हैं मेरी तरह, जो कम खेलते हैं जो 50 रुपये का हेड टू हेड खेलेंगे तो उसके लिए तो क्या लॉस है, उसके लिए तो कोई लॉस नहीं है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर बॉलर में क्रिस जॉर्डन को, रिस टॉबले को रखा, उसके बाद एडी बर्नार्ड को मैंने रखा, और यहाँ पर ब्राउन को रखा। ऑप्शन देखिए फ्रेंड, ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है आपके पास, आप कन्फ्यूज हो जाओगे किसको रखना है किसको नहीं रखना। ऊपर के दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, मगर बैंड्रॉप अवेलेबल है यहाँ पर, बैंड्रॉप को अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। आपकी वजह टाइम अलमेल्स ये तो आई थिंक नहीं खेलना है, रॉबिनसन आई थिंक यहाँ पर खेलने वाले 100%। ये देखिए फ्रेंड कितने पर, अब देखिए फ्रेंड ऐसे प्लेयर आज की इसमें तुम ग्रैंड लीग जी सकते हो फ्रेंड, क्योंकि काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो प्लेयर बहुत अच्छे हैं बट उनकी परसेंटेज काफ़ी कम है, तो कभी भी ऐसा प्लेयर परफॉर्म करता है। ये देख लीजिए यहाँ पर ऑल रॉबिनसन है, ये भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं यहाँ पर, आपने देखा है उनका पिछले रिकॉर्ड भी। बाकी उसके बाद डी पेनिंगटन भी, आप इनकी भी परसेंटेज कम होने वाली है। ये देखिए फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा प्लेयर जिनके परसेंटेज बहुत कम, विल वेयर इनकी ज़्यादा परसेंटेज होगी, जहाँ तक 30% कोई ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी 0 से यहाँ पर खेल ही नहीं रहे। उसके बाद यहाँ पर और कोई खास ऑप्शन आपके पास नहीं, देखिए फ्रेंड कितने प्लेयर आपके निकल के आगे सामने ग्रैंड लीग के लिए, तो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। अब सबको ही मत रखना, दो तीन प्लेयर को एक में एक टीम में ट्राई करना, दो तीन प्लेयर को एक टीम में ट्राई करना, तो जब मल्टीपल टीम से आप जाते हो तो फिर इस तरह से ट्राई करके कॉम्बिनेशन आप बनाना वो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा आपके पास अवेलेबल हैं ग्रैंड लीग के लिए भी और हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग के लिए। बट जो मुझे बैच लगे मैंने रख लिया हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग के लिए, बाकी आप लोग देख लेना अगर आपको लगता है इनसे अलग बैच हो, या फिर इनकी जगह कोई बैट्समैन या विकेट कीपर बढ़ा के और ऑलराउंडर बढ़ा के आप जीत विन कर सकते हो तो आप बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी ये मेरी टीम है, मैं नहीं कहूँगा आपसे कि इस टीम को कॉपी करो, कॉपी करना नहीं करना आपकी मर्जी है। तो अधिकतर आप ट्राई किया करो कि खुद से एक टीम बनाने की, एक या दो चेंज खुद से करने की, आप भी उसमें फायदे में रहोगे और हम भी फायदे में रहेंगे। हम फायदे में इसलिए रहेंगे अगर आप हमारी टीम फ्लॉप चली जाती है तो हम आपके बदनामी के हकदार नहीं होंगे कि यार उसकी वजह से टीम हारा है। दूसरी बात, अगर आप हारोगे तो आपको तसल्ली रहेगी कि यार मैंने ये प्लेयर लिया था यार इसकी वजह से मैं हार गया। काफ़ी चीज़ें होने वाली है, अगर आप खुद से विन कर जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार कि मैंने खुद से विन किया है। तो चलिए फ्रेंड ये थे हमारी टीम, कैप्टन मोइन अली और वाइस कैप्टन यहाँ पे ल्यूक राइट को रखा हुआ है, बाकी आप लोगों को देखना अगर आपको लगता है बेस्ट है तो आप बना सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है यार प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो हमारे, ताकि हम यहाँ पर अपना गिव अवे ला सके। वो गिव अवे हमारा प्ले स्पॉट पर आएगा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हमारा प्ले स्पॉट पर वो गिव अवे आएगा, तो प्ले स्पॉट अगर आप खेलते हो तो अच्छी बात है, नहीं खेलते तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, साथ ही रेफरल कोड मिलेगा जैसे यूज कर रहे, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों वहाँ पर वेरीफाई कर लेनी है। तो चलिए फ्रेंड ये थी हमारी टीम, बाकी अब देखते हैं क्या होता है, इनका रिजल्ट क्या निकलता है, आपको वो सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर बताया जाएगा। तो अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया हो तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पर आपको हमारी हर अपडेट जल्द जल्दी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। बाकी फ्रेंड अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, हमने वीडियो से अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड गुड बाय।